वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विधर्मेश्वर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 26 अगस्त, लेखपाल भर्ती परीक्षा नकल एक और गिरफ्तार और जब्त होगी संपत्ति। असिस्टेंट प्रोफेसर पर कॉलेज आवंटन और असिस्टेंट प्रोफेसर में शिक्षक भर्ती को गड़बड़ी, भ्रष्टाचार का लग आरोप। जूनियर एडर संशोधित रिजल्ट पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर हम लोग बात करेंगे, उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिटेल से जान लेते हैं। नकल रैकेट से जुड़ा एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। करेली के चेतना इंटर कॉलेज प्रिंसिपल बेटी का बेटा नैनी में पकड़ा गया। बुधवार को पकड़े गए आठों आरोपियों को जेल में भेज दिया गया है। जी हाँ, एसटीएफ ने बृहस्पतिवार को नैनी जेल में पास से नकल रैकेट से जुड़े एक और आरोपी कसान को गिरफ्तार किया है। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल का बेटा कसान इस मामले में पहले से ही नामजद था, उसे खोजबीन की जा रही थी। उधर बुधवार को पकड़े गए आठ आरोपियों को आज जेल भेज दिया गया है। कसान नैनी जेल में किसी से मिलने गया था। इस बात पर भनक मिलते ही एसटीएफ ने टीम ने वहां घेराबंदी की और उसे पकड़ लिया। उसे नैनी थाने में दाखिल किया गया। लेखपाल भर्ती परीक्षा में चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली में एक महिला अभ्यर्थी साल्वर के साथ पकड़ी गई थी। अन्य अभ्यर्थियों ने इसे लेकर काफ़ी हंगामा किया था। बाद में स्टेटिक मजिस्ट्रेट की FIR पर प्रधानाचार्य शबनम, उनके बेटे कॉलेज प्रबंधक साबान अहमद और कर्मचारी गिरिराज गुप्ता और हुमा बानो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शबनम के दूसरे बेटे कसान अहमद समेत चार फरार चल रहे थे। अब कसान की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। कसान ने एसटीएफ और पुलिस के अधिकारियों को ने घंटों पूछताछ की। दूसरी ओर इसी प्रकरण में बृहस्पतिवार को पकड़े गए नकल माफिया रैकेट के सरगना जय बाबू, प्रबंधक मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज नैनी, अनिल पांडे प्रबंधक राम प्रसाद अकेडमी इंटर कॉलेज चाका ब्लॉक नैनी और पुनीत प्रबंधक सैल शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज नैनी, शशि प्रकाश शर्मा और राजू प्रबंधक सावित्री देवी शंकरलाल शर्मा इंटर कॉलेज नैनी को जेल भेज दिया गया है। इनके अलावा बाला लखेंद्र राजभर निवासी चौबेपुर वाराणसी, मुलायम सिंह यादव निवासी वाजिदपुर थाना नुनहरा गाजीपुर, रानू यादव और निवासी भीखेपुर सदियाबाद गाजीपुर और पंकज तिवारी निवासी सरोई विंध्याचल मिर्जापुर को बृहस्पतिवार को जेल भेज दिया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गुमराह करने के लिए सॉल्वर ने बताया था कानपुर का पता। लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली के मास्टरमाइंड जयबाबू ने एसटीएफ की पूछताछ में कई राज उगले हैं। दावा किया गया है कि कानपुर निवासी अमित नाम का सॉल्वर प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी उपलब्ध कराता था। वहीं सॉल्वर गिरोह के एक अन्य लोगों को गुमराह करने के लिए उन्हें कानपुर का पता बताया गया था। सरगना जयबाबू के मोबाइल में अमित न्यू कानपुर के नाम से एक नंबर सेव था। एसटीएफ की आशंका हुई कि अमित कानपुर का रहने वाला है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, मोबाइल नंबर प्रयागराज का ही निकला। मनी लॉन्ड्रिंग, जी हाँ, इन जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो सरगना पकड़े गए हैं, लेखपाल भर्ती में अन्य भर्ती परीक्षाओं में पकड़े गए नकल माफियाओं को शिकंजा कसने वाला है, उनके खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को एसटीएफ ने चार कॉलेज प्रबंधकों और बृहस्पतिवार को चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे को गिरफ्तार कर उनसे लंबी पूछताछ की। नकल माफिया द्वारा बड़ी रकम का लेन देन किया गया था। आरोपियों को अकूत संपत्तियों के बारे में पता चला है। आरोपियों की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस कार्रवाई की जाएगी और इनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज आवंटन को लेकर के है और इसमें भ्रष्टाचार को लेकर के है। असिस्टेंट प्रोफेसर अरसाज के चयनितों को मिल गया है कॉलेज, नियुक्त पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 चयनित अभ्यर्थियों को बृहस्पतिवार को कॉलेज आवंटित कर दिए गए। इन अभ्यर्थियों के नियुक्त पत्र ऑफलाइन जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से शासकीय महाविद्यालय में 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती शुरू की गई थी। आयोग अब तक 46 विषयों का रिजल्ट जारी कर चुका है और उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया। 46 विषयों के चयनित की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब तक 46 विषयों में 1941 चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। अब केवल विधि के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू बाकी रह गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती की परीक्षा में प्रश्नों के विवाद को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामला
कोर्ट में जाने से आयोग ने विधि के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। कोर्ट का आदेश आने के बाद नई तिथि घोषित की जाएगी। इस प्रकार इस बार उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी रिकॉर्ड समय में ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा। निदेशालय ने सबसे पहले 10 मई 2022 को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के 162 चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिए थे और अब तक ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर 1941 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। इंटरव्यू में विकल्प भरवाने का मिला फायदा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पहली बार इंटरव्यू के दौरान ही अभ्यर्थियों में से कॉलेज के विकल्प भरवा लिए गए थे, जबकि इससे पहले की भर्तियों में ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान विकल्प मांगे जाते थे। प्रक्रिया में बदलाव का आरोप अभ्यर्थियों को काफ़ी फायदा मिला है। आयोग ने चयन परिणाम के साथ ही अभ्यर्थियों की ओर से भरे गए कॉलेज के विकल्पों की लिस्ट भी निदेशालय भेजी थी। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप दिया धरना। जी हाँ, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 50 के तहत हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जी हाँ, जिसकी ये प्रक्रिया चल रही है, जिसके कॉलेज आवंटित किए जा रहे हैं, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। प्रोफेसर भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। आरोप लगाने वाले प्रतियोगी छात्रों ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन भी किया, उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने तकरीबन 100% सही उत्तर दिए हैं, जो प्रतियोगी छात्रों में स्वाभाविक नहीं है। राजनीति विज्ञान में एक अभ्यर्थी के 95 में से 92 प्रश्नों यानी 97% के उत्तर सही हैं। विशेषज्ञ भी इतनी बड़ी संख्या में उत्तर सही नहीं दे सकते। छात्रों का कहना है कि शिक्षा साथ बीएड संस्कृत भूगोल भौतिक विज्ञान जैसे विषयों में परिणाम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा में मेरिट घोटाले का आरोप लगाते हुए मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और परीक्षा निरस्त कर पुनः कराई जाए। हालांकि छात्र जिन विषयों के रिजल्ट में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, उन विषयों के चयनितों की नियुक्ति भी मिल चुकी है। धरना प्रदर्शन में सुनील मौर्य, प्रदीप कुमार, सौरभ सिंह, अश्विनी मिश्रा और रोहित कुमार आदि मौजूद रहे। कोई भी परीक्षा होती उस पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक, सेंटर से पेपर लीक, कुछ ना कुछ ये होता ही रहता है भ्रष्टाचार को लेकर के। इस पर शिकंजा कब कसेगा, ये प्रश्न का सोचने का विषय है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पदों के लिए इंटरव्यू पहली को। जी हाँ, सीधी भर्तियां चल रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के UP SSC की, तो उसमें जो सीधी भर्तियाँ चल रही हैं उनको लेकर के 1 सितंबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। विधि को छोड़कर बाकी सभी विषयों के चयनितों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अशिक्षक भर्ती के आरोपों को दिया गया धरना। ये असिस्टेंट को लेकर के ही ये है। प्रदेश के शासकीय सहायता पर महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 50 के तहत अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 विषयों को कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। तो और रही बात जूनियर एडेड संशोधित रिजल्ट की, तो जूनियर संशोधित रिजल्ट कल एक प्रमुख अभ्यर्थी हैं और भी अभ्यर्थी मिलने गए थे प्रमुख सचिव से, तो उन्होंने बताया है कि 31 तारीख को इस कोर्ट की सुनवाई है। 31 तारीख से पहले हम आपको रिजल्ट जारी कर देंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी ऐसा भी PNP के सचिव इससे पहले भी इस तरह का आश्वासन दे चुके हैं। जब पिछली डेट लगी थी 17 तारीख, तब भी इन्होंने बताया था कि हम एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट दे देंगे, मगर हुआ कुछ नहीं। फिर 31 तारीख डेट लगी है और छात्र जब भी ज्ञापन देने जाते हैं तो उनको इसी तरह से बहला फुसला के बोल दिया जाता है कि आपको कोर्ट के पहले या एक हफ्ते में आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। फिलहाल देखते हैं कब रिजल्ट आता है, क्योंकि रिजल्ट तो बनकर तैयार हो गया है, बस कैंसिलेशन का आदेश सरकार को मोहर आदेश करना है। जैसे ही उधर से कैंसिलेशन को लेकर के आदेश आएगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा। और इसी को लेकर के PNP पल्ला भी झाड़ लेता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार जैसे ही आदेश करेगी हम आपका रिजल्ट जारी कर देंगे, रिजल्ट तो बनकर तैयार हो गया है। ये रही दैनिक रोजगार समाचार की 26 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरें, जो छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजगार संबंधित पल पल अपडेट आपको प्रदान की जाती है।
धन्यवाद।